भाई मान लो तुमने किसी जगह पर जाना है और उस जगह पर जाने खातर कन्वेंस के दो रास्ते हैं, या तो आप बस से चले जाओ या फिर आप ट्रेन से चले जाओ। लेकिन मुद्दा यह है कि जब आप बस से जा रहे हो तो आपको बीच में बस बदलनी पड़ेगी, मतलब आपने वह बस छोड़कर दूसरी बस लेनी पड़ेगी। और दूसरा जो है ट्रेन का रास्ता, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, उसमें आप उस जगह पर बैठो अगली जगह पर उतर जाओ, सीधा सीधे पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ इनमें से कौन सा कन्वेंस बढ़िया आपने सूट करा है, तो आप दिमाग लगाओगे, आप सोचोगे कि यार भड़क ज़्यादा है बस में, ट्रेन में किराया भी कम लगेगा, ट्रेन में बैठ के सीधे पहुंच जाओगे। तो यो लॉजिक लगा के आज हम अपनी इस वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। थंबनेल आपने देख लिया, मेरा पार्ट गया, किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहली बात अपने दिमाग में सेट करो कि कोचिंग सेंटर का 1 घंटा और लाइब्रेरी में बैठने का, लैब कोचिंग सेंटर का 1 घंटा और लैब में बैठने का 1 घंटा कभी बराबर नहीं होता भाई। वो कम और ज़्यादा किसके लिए है वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है कि भाई कोई उस चीज़ ने कोई आदमी किस तरीके से समझाने लग रहा है। अब देखो छोटी सी बात है भाई, आप कोचिंग सेंटर पर जाओगे, मान लो आप 4 घंटा कोचिंग लेने लग रहे हो, ठीक है, तो 4 घंटे के लिए आपने जाना भी पड़ेगा आना भी पड़ेगा, बीच में आप मज़े भी लोगे, स्वाद भी लोगे, क्लास में टोंट भी मारोगे, कमेंट भी करोगे, हंसो भी गए, आपस में बात भी करोगे, ठीक है। और उस 4 घंटे में जाने के बाद में आप जैसे घर में जाओगे, तो जब तक आप उस 4 घंटे में पढ़े हुए मटेरियल को आप रिवाइज नहीं करोगे घर में जा करने, तो उस 4 घंटे के मटेरियल का कुछ भी फायदा नहीं है। मतलब कि अगर आप 4 घंटे कोचिंग सेंटर पर पढ़ के आए, तो घर में जाकर आपने उसको रिवाइज करने के लिए मेरे हिसाब से कम 4 घंटे और लगाने चाहिए, जब जाकर आपकी वह चीज़ मैंने कहूँ प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी आवेगी, मतलब ये कुछ ना कुछ फल आपका आवेगा। लेकिन सोचो अगर आप डायरेक्टली वो जो लास्ट के 4 घंटे आप लगा रहे हो, अगर डायरेक्टली वो प्रोडक्टिविटी आपको बिना कोचिंग क्लास के आ जाए तो किसार है। मैं बात कर रहा हूँ भाई लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी कोचिंग सेंटर से क्यों मैं बढ़िया मानू हूँ, क्योंकि वो आपको एक फ्री मानस बना दे है सेल्फ स्टडी करने के लिए। क्योंकि कोचिंग सेंटर में आप बंद जाओगे भाई, देखो मैं कोचिंग सेंटर को बुरा नहीं बता रहा, लेकिन मैं सिर्फ एक आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो बेस्ट चीज़ क्या है। कोचिंग सेंटर में आप बन जाओगे भाई कि भाई आज जो चैप्टर कराया है तो घर में जाकर मैं यही चैप्टर रिवाइज करूँगा, लेकिन लाइब्रेरी में अगर आप बैठे हो तो आप मतलब कि आपकी सीमाएँ नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप 4 घंटे नहीं, आप 8 घंटे 12-12 घंटे भी निकाल सकते हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बालक कर रहे हैं भाई। अगर आप नू मानोगे 4 घंटे कोचिंग सेंटर में बैठ के और 4 घंटे घर में पढ़ गए, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, तो जो बालक लाइब्रेरी में बैठे हैं उन तो पूछो भाई वे दिन में कितना कितना आउटपुट कर रहे हैं और उनके आउटपुट लिख रहे हैं भाई, अरे वे बालक सेलेक्ट भी हुए हैं, ठीक है। आप कुछ सोच कर देखो भाई, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं हरियाणा के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई भी एग्जाम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन सोचो यूपीएससी का एस्पिरेंट, मतलब कि जो IAS और IPS अफसर अलग हैं, वे बालक भी भाई कोचिंग सेंटर तो ठीक है हर एक चीज़ की लाखों करोड़ फीस है उनकी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब कि यूपीएससी के जो बालक हैं वे भी सेल्फ स्टडी पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें भी रहा है कि जब तक NCERT नहीं करेंगे या फिर हम भाई मान लो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है या बहुत सारी बुक हैं भाई अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक वो बंदे पढ़ते हैं, तो कोचिंग क्लासों से हटके वो खुद से अलग से बुक पढ़ के सेल्फ स्टडी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि उनको ये बात पता है कि अगर यूपीएससी जितने बड़े जो इतना बड़ा जो पेपर है वो सिर्फ अगर निकालना है तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी भाई। तो अगर इतने बड़े एग्जाम के लिए सेल्फ स्टडी की जरूरत है, तो सोचो अगर आपके छोटे से एग्जाम के लिए आप एक लाइब्रेरी के अंदर बैठ कर सेल्फ स्टडी कर लोगे तो सिलेक्शन होना कितना आसान हो जाएगा भाई। और मैं एक बात और बताता हूँ भाई, मैं सबसे बड़े फेलियर का कारण क्या है, सबसे बड़ा आपके फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, कोचिंग सेंटर पर आप जाते हो, आप 4-4 घंटे पढ़ते हो और उसके बाद घर में जाकर आप उसको रिवाइज नहीं करते, अपने दिमाग में इस बात ने बैठा लियो भाई, सबसे बड़ा आपका फेल होने का रीज़न यही है, फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न यही है। देखो आपने कोचिंग सेंटर पर जो भी पढ़ लिया, मैं बुरा नहीं बता रहा, वहाँ से भी बच्चे निकलते हैं पास होते हैं बहुत बढ़िया, मैंने बेरा है, लेकिन वो बच्चे निकलते हैं जो उन चीज़ों को मैक्सिमम टाइम तक रिवाइज करते हैं भाई, ठीक है। अगर आपने 4 घंटे कोचिंग सेंटर पढ़ लिया और उसके बाद घर में आकर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो वो 4 घंटे का पढ़े और जीरो है भाई। अच्छा उसके अंदर मान लो, देखो मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ स्टडी की, लाइब्रेरी के अंदर बैठ कर पढ़ने की, अब लाइब्रेरी के अंदर आपको लिबर्टी है, आप कुछ भी पढ़ सको, ठीक है, वहाँ पर आपको वाईफाई मिल जाता है भाई। अगर वाईफाई नहीं भी मिलता, पहली बात तो मिलेगा 100% है, नहीं भी मिलता है तो इंटरनेट प्लान बहुत सस्ते हैं भाई, ठीक है, आराम से आप कर सकते हो कुछ भी। अच्छा बात रही स्टडी मटेरियल की, कई बार लोग कहेंगे सर स्टडी मटेरियल भाई कोचिंग क्लास में तो सब बता दें कि भाई जो पढ़ लो या चीज़ पढ़ लो या छोड़ दो, तो सर हमने बिना कोचिंग क्लास के कैसे बेरा लगा कि कहीं पढ़ना है कहीं नहीं पढ़ना, भाई गूगल है, यूट्यूब है, मैं हूँ, बहुत सारे टीचर हैं, सर्च करो हर एक चीज़ मिलेगी, नो कोई अगर ढूंढेगा तो भगवान भी मिल जाएगा, तो ये तो यार स्टडी मटेरियल है, तुमने मिल जाएगा आराम, तो कोई समस्या नहीं है। आपने
कोचिंग सेंटर पे बांट देखनी पड़ेगी किसी चैप्टर की कि यो चैप्टर आवेगा जब कवर करेंगे। लेकिन अगर आप बैठे हो एक लाइब्रेरी के अंदर तो आपने सिर्फ यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है उस चैप्टर का नाम और उसके लिए ऊपर हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगी। जोन सी बढ़िया लगे वो वीडियो देखो, डाउट नहीं क्लियर हो तो दूसरी देखो, फिर भी क्लियर नहीं होता तीसरी देखो। तो बहुत सारे रास्ते हैं भाई जो कि कोचिंग सेंटर को बहुत मतलब पिछाड़ते हैं भाई। लाइब्रेरी में के अंदर बैठे अगर आप पढ़ने लग रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई आप कोचिंग सेंटर पर फीस ना देकर। देखो मैंने आपको शुरू में बस का और ट्रेन का एग्जांपल लिया क्योंकि बस का जो कन्वेंस है वो महंगा है। मैं बस को डिनोट कर रहा हूँ भाई कोचिंग सेंटर, और जो ट्रेन है वो अपनी क्या है लाइब्रेरी है। और देखो जो ट्रेन है वो सस्ती पड़े है, और यही रीजन है कि लाइब्रेरी भी सस्ती पड़े है भाई तरह से। मतलब आप कोचिंग सेंटर पर जाओगे या फिर आप लाइब्रेरी में जाओगे तो अपने लाइब्रेरी सस्ती पड़ेगी कोचिंग सेंटर से, ठीक है। उसके बावजूद आपका वो टाइम जो आप वेस्ट करते हो उन नबर लखाण में, कमेंट मारने में, टोंट मारने में, वो सारा का सारा टाइम आपका कट हो जाएगा और आप आराम से अपनी वह प्रोडक्टिविटी निकाल सको जो एक पास होने वाला, जो एक पास होने वाला निकालना चाहे, ठीक है भाई। अच्छा और अगर मैं बात करूँ तो आपको तो ये बढ़िया से बढ़िया टीचर भाई। तो अगर मैं बात करूँ यूट्यूब के ऊपर अगर मान लो आपने मैथ्स करना है, ठीक है, हरियाणा के आपने एक से टीचर मिल जाएंगे। मैं नहीं कहता भाई तुम मेरी वीडियो देखो, तुम किसी भी टीचर की वीडियो देखो तुम्हारा थारा सिलेक्शन होना चाहिए। मैं फिर भी नहीं कहूँ यूट्यूब के ऊपर आपने हर लेवल का और टॉप लेवल तक, छोटे से लेवल तक टॉप लेवल तक हर लेवल का टीचर मिल जाएगा। उस टीचर की बात सुनो, उसने अपना गुरु मानो, उसकी सारी बात मानो तो सिलेक्शन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कमी क्या रह जाती है कि रिवीजन की भाई। और रिवीजन की कब हो जाती है, जब हम कोचिंग सेंटर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। हमने माना कि भाई कोचिंग सेंटर पर पढ़ा दिया मोर देन इनफ है, लेकिन वो बहुत कम है भाई। जितना पढ़ोगे उतना कम है, जितना रिवाइज करोगे उतना रिवाइज कम है भाई। कोचिंग सेंटर का मतलब ये है उन्होंने एक बार करा दिया, फिर आपको मैक्सिमम टाइम तक वो चीज़ रिवाइज करनी है जब तक आपका पेपर ना हो जाए। और हमारा करना क्या है कि कॉपी में वो चीज़ नोट कर ली, कॉपी बंद, उसके ऊपर धूल जम जाए वो धीरे रहे भाई। फिर पेपर तो एक दिन पहले दो दिन पहले वह उठा है तो उठा है, ना तो ना भी उठा है भाई, ठीक है। लेकिन सोचो अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो शायद उस चीज़ ने आप दिन में 10 बार रिवाइज करोगे मेरे हिसाब से। कोई भी डाउट है आप सीधे यूट्यूब पर सर्च मारो, अपने सारे रिजल्ट लिखण का जाएंगे। तो ये मेन बात यह लिखण का ही भाई कि कोचिंग सेंटर और अगर मैं बात करूँ लाइब्रेरी की, तो मेरे हिसाब से अगर आपने सक्सेस लेनी है, अगर आपने किसी भी पेपर में पास होना है, चाहे वो किसी पीयून का पेपर हो या फिर वो यूपीएससी लेवल का पेपर हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो पेपर कौन सा है, लाइब्रेरी बेस्ट है भाई। लाइब्रेरी ज्वाइन करो, थोड़ी फीस में काम चल जाएगा और तुम्हारी लिबर्टी है, तुम क्या पढ़ना चाहते हो, अपना सिलेबस तुम निर्धारित कर सकते हो। एक नोटिफिकेशन डाउनलोड करो, उसके अंदर सारा सिलेबस है, सिलेबस देखो, कौन सी बुक कोई टीचर रेफर कर लग रहा है वह बुक देखो। अगर हरियाणा का अपना डाउट है कि भाई हरियाणा के पेपर करने खातर हमने कौन सी बुक्स, कौन सी नोट्स, कौन सी वीडियो देखनी है, तो मैंने उसके ऊपर एक पूरी पूरी वीडियो बना रखी है भाई। वह वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा, वह वीडियो देख लियो, उसके अंदर आपने पूरी पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि अगर आपने हरियाणा का पेपर क्रैक करना है तो आपने कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी, यह बात भी ध्यान रखिए भाई, ठीक है। तो इतनी सी बात होगी, सबने समझ में आ गया होगा भाई मैं क्या कहना चाहूँ। लाइब्रेरी ज्वाइन करो और ध्यान लगा पढ़ो, आप 8 नहीं 12 घंटे का आउटपुट भी काट सको भाई, ठीक है। तो इसी बात के साथ मैं वीडियो ने खत्म करूँ। ध्यान रखियो भाई, पढ़ते रहियो, समझदारी तय। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख दियो, वीडियो बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और शेयर।